Hello students, in my today's lecture I am going to explain the SN1 mechanism, that means the mechanism for unimolecular nucleophilic substitution reaction. तो ये unimolecular substitution nucleophilic substitution reaction में जाने से पहले ये जो वीडियो है मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा बहुत अच्छा तरीका से अच्छी तरीका से इसको सुनना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टोटली एक न्यू कॉन्सेप्ट है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसको समझने के लिए जो मेरा लास्ट दो लेक्चर है स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स एंड नोटेशंस के ऊपर, उसके ऊपर मैंने दो लेक्चर बनाया, वो दो लेक्चर को सुनना और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट बहुत कुछ है. पहला बात है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन. तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम पहले अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है, हम इसको दिखाते हैं, दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है SN1 और दूसरा है SN2. ये जो दो है SN1 एंड SN2, ये दोनों हम लोगों का सिलेबस में है, वट एवर द सिलेबस, बोर्ड एग्जाम JEE मेन, JEE एडवांस एंड नीट ऑल्सो और एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 11-12. तो अभी इसमें से हम लोगों को सीखना है कि SN1 मैकेनिज्म क्या है. ये जो SN1 SN2 ये छोड़ के भी और कुछ अलग टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है जो अभी नहीं चाहिए, जस्ट मैं बताऊंगा कि SN1 और SN2 इन दोनों के बारे में डिटेल्स नॉलेज रहना चाहिए. तो ये हम दो लेक्चर में बनाएंगे, एक लेक्चर में SN1 दूसरे लेक्चर में SN2. ओके, SN1 SN2 छोड़ के भी कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है जैसा SNI, ठीक है, आई स्टैंड फॉर इंटरनल, मैं बताऊंगा सबके बारे में, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम एंड SNI प्राइम. ये भी चार मैकेनिज्म होता है. ये जो ऊपर में मैं डैश दे दिया, दीज आर कॉल्ड प्राइम, ठीक है. तो थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज SNI, उसके बाद SN1 प्राइम, ये प्राइम है, उसके बाद आ रहे SN2 प्राइम और SNI प्राइम. कोई अच्छा खासा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की जो बुक है उसमें ये सब टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा. तो इसका मतलब है कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करेंगे तो उसमें पहले आएगा SN1, उसके बाद आएगा SN2, उसके बाद आएगा दीज आर द आउट ऑफ सिलेबस, दीज आर आउट ऑफ टेक्स्ट और ये टेक्स्ट के बाहर है, ठीक है. तो इसके बारे में मुझे पता करना है SNI, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम एंड SNI प्राइम. ये हम लोगों को सीखना नहीं है, जस्ट इसको पता करना है कि ये दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फोकस करना है SN1 एंड SN2 में. चलो शुरू करते हैं SN1 मैकेनिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग, ये SN1 मैकेनिज्म, ये जो सिंबल है, ये जो नोटेशन है, इसको रीड करना कैसा चाहिए, पहले ये वन जो है इसको पढ़ना है, वन से स्टार्ट करना है, ऊपर से जाना है. वन मतलब यूनिमोलिकुलर, इसको हम लिखते हैं इधर यूनिमोलिकुलर. ये यूनिमोलिकुलर क्या होता है सब कुछ मैं बताऊंगा. यूनिमोलिकुलर, वन के बाद आ रहे एन, दिस एन, एन का मतलब के क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक. और ये जो एस है, पहले वन उसके बाद एन उसके बाद एस, हम बताएंगे सब्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इसका मतलब है ये जो वर्ड SN1 है, SN1, इसका सिग्निफिकेंस, इसका अगर हम पढ़ने जाते हैं तो हम ऐसे करके पढ़ेंगे, यूनिमोलिकुलर, वन यूनिमोलिकुलर को इंडिकेट कर रहा है, एन न्यूक्लियोफिलिक, एस सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो अभी बात है व्हाट डज इट मीन द वर्ड यूनिमोलिकुलर. एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें रिएक्शन के रेट, रिएक्शन कितना जल्दी होता है, टाइम के साथ उसका मतलब कितना स्पीड में रिएक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे.
तो उस चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, ये यूनिमोलिकुलर मतलब मॉलिकुलरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम छोटा करके बताते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का एक रेट होता है। एज वी नो रेट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, मतलब टाइम के हिसाब से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, और नहीं तो टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, इज कॉल्ड रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये फिजिकल केमिस्ट्री का मैटर है। तो ये जो रेट है, ये रेट अगर एक ही कंपाउंड के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है तो इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर। ठीक है, मतलब हम इसको बता सकते हैं कि यूनिमोलिकुलर जो वर्ड है, ये कॉन्सेप्ट SN2 में भी चाहिए, दैट इंप्लाइज कि रेट डिपेंड्स ऑन वन कंपाउंड, ओनली वन कंपाउंड। ठीक है, डिपेंड्स ऑन वन कंपाउंड ओनली, याद रखना। तो रेट क्या है, मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, नहीं तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। तो रेट जब वन कंपाउंड और वन मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होता है, रैदर यू कैन से और भी ये साइंटिफिक हो जाएगा, तुम मॉलिक्यूल बोल सकते हो, तो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होता है तो इसको कहते हैं रेट। तो यूनिमोलिकुलर का मतलब है केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे तो एल्काइल हैलाइड या न्यूक्लियोफाइल से दिखाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द SN1 रिएक्शन और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम बताएंगे कि रेट जो है, रेट इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट K इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट और रेट कॉन्स्टेंट, रेदर यू कैन से नॉट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, रेदर रेट कॉन्स्टेंट इन टू Rx। एज यू नो Rx इज एल्काइल हैलाइड, व्हाट डज इट मीन, Rx का मतलब क्या है, Rx एल्काइल हैलाइड, ये मेरा स्टार्टिंग जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि व्हाट डज इट मीन Rx, Rx मीन एल्काइल हैलाइड। तो हम देख सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, इसीलिए इसका नाम ही यूनिमोलिकुलर। जो मैंने बताया था, रेट डिपेंड्स ऑन ओनली वन कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज यूनिमोलिकुलर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का दो स्टेप है, SN1 मैकेनिज्म का दो स्टेप है, ये दो स्टेप के बारे में हम बताएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो है, दिस इज स्टेप वन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, दिस इज स्टेप वन। ओके, ये क्या है, ये है स्टेप वन। तो स्टेप वन हम लोगों को क्या बताता है, स्टेप वन है, स्टेप वन क्या बताएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टेप वन, इन द फर्स्ट स्टेप, एल्काइल हैलाइड, मेरे बात को अच्छी तरह से सुनना, एल्काइल हैलाइड डिसोसिएट इनटू हैलाइड आयन एंड कार्बोकैटायन। इसमें से क्या मिलता है, इसमें से मिलता है कार्बोकैटायन, वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन। इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 11 जीओसी 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बोकैटायन एंड एल्काइल हैलाइड। मतलब पहला जो होगा, पहला जो स्टेप है, उस स्टेप में कार्बोकैटायन एंड एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होगा। लेट्स सी, हम देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम जो एग्जांपल बताएंगे हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से बताएंगे, दैट वुड बी गुड। फर्स्ट स्टेप में जो हम बताएंगे 3 डिग्री एल्काइल, सपोज आई एम टेकिंग दिस कंपाउंड CH3 एंड पीयर। ठीक है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ये पहला स्टेप में, ये स्टेप रिवर्सिबल होता है, याद रखना, और स्लो होता है। जो मिलेगा मुझे ये ऐसा कुछ देखने में होता है, CH3। ठीक है, दिस वन इज प्लस, ये कार्बोकैटायन है, सबको पता है, प्लस Br माइनस मिलेगा। ठीक है, ये जो स्टेप है, ये स्टेप एक्चुअली स्लो स्टेप है, फास्ट स्टेप इज स्लो, वी हैव टू रिमेंबर, फास्ट स्टेप इज स्लो। क्यों हम स्लो फास्ट बता रहे हैं, पता चल जाएगा। तो पहला स्टेप वन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ एंड एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हुआ, ये रिएक्शन स्लो है एंड रिवर्सिबल है। तो ये है कार्बोकैटायन। अकॉर्डिंग टू द केमिकल काइनेटिक्स, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम सोचो कि कोई रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, तो उसमें से जो स्टेप सबसे स्लो होगा उसी स्टेप में रेट को डिटरमाइन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में देखेंगे। ठीक है,
सिर्फ ये पता करो अभी कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इसका मतलब है ये स्टेप वन, मैंने बताया था दो स्टेप में होता है, तो स्टेप वन इज द स्लोएस्ट स्टेप, तो स्टेप वन में रेट डिटरमाइंड होगा. तो हम देख सकते हैं कि स्टेप वन में ओनली एल्काइल हैलाइड यूज हुआ, इसमें कुछ भी न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं हुआ. तो इसीलिए मैंने बताया था कि रेट डिपेंड्स ऑन ओनली एल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल. तो ये जो एसिन वन रिएक्शन है इसमें एल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होगा. तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट हो रहा है और स्लोएस्ट स्टेप इज द फास्ट स्टेप, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन स्टेप. तो इसीलिए रेट एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड से वो टूट के कार्बोकेटायन फॉर्मेशन किया एंड उसके साथ एल्काइल हैलाइड इधर बी आर माइनस फॉर्मेशन हुआ. तो ये जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है क्यों हो रहा है, एक्चुअली ये जो कार्बोकेटाइन है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है. वी कैन सी फ्रॉम द नॉलेज ऑफ क्लास 11 दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. तो एज ए इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है ये भी हम लोगों को पता है. तो एज ए इंटरमीडिएट इसका स्टेबिलिटी इतना ज्यादा है, इसीलिए ये जो 3 डिग्री एल्काइल है तुरंत ये कार्बोकेटाइन में चला जाता है, तुरंत चला जाता है, फॉर्मेशन होता है. ये एनर्जी कहां से मिलता है, ये एनर्जी मिलता है ये जो हैलाइड है, ये हैलाइड एक्चुअली प्रोटॉन सॉल्वेटेड होता है. तो ये हैलाइड बीआर माइनस साइज में छोटा है, ये प्रोटॉन सॉल्वेटेड होकर स्टेबल होगा और उसके साथ स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी फेवरेबल. ये बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो इस बात को तुम पॉज करके रिवाइंड करके फिर से सुन लेना, समझ में आ जाएगा. मैं फिर से बता रहा हूं, कार्बोकेटाइन 3D कार्बोकेटाइन इज वेरी स्टेबल. तो इसका टेंडेंसी होगा स्टेबल एक स्पीसीज में स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने का. पैरेलली जब कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो रहा है तो बीआर माइनस भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसका साइज छोटा है, तो ये ऑटोमेटिकली मीडियम में जो सॉल्वेंट है, ठीक है, रिएक्शन मीडियम में जो सॉल्वेंट है उसमें ये प्रोटोनेटेड हो जाता है, सॉल्वेटेड हो जाता है. तो उसमें से जब सॉल्वेशन होता है तो उसमें से एनर्जी निकलता है जिसको कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी. वो ये एनर्जी इस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है. समझ में आया, स्टेबल और ये सॉल्वेटेड होता है, प्रोटोन सॉल्वेटेड, तो इसमें सॉल्वेशन एनर्जी जो निकालता है इसको ब्रेक करता है. क्लियर, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स. दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप वन. हम लोग अभी जाएंगे स्टेप टू में. स्टेप टू सीधा है कि न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच्ड होगा. किसके साथ, जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ था उसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा. लेट मी एक्सप्लेन, ऑलरेडी वी हैव दिस सी, इसमें CH3 है, इसमें CH3 है, इसमें भी CH3 है, ये प्लस है. इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे Z-, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एक्चुअली Nu-, Nu- स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल. ओके, तो ये जो रिएक्शन होगा फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनेगा इट शुड बी C ऊपर में CH3, ये CH3 एंड दिस वन इज जेड. हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग ब्रोमीन से हुआ था, ब्रोमीन के प्लेस पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया. और याद रखना है स्टेप टू इज फास्ट. ठीक है, जैसा मैंने बताया था स्टेप वन स्लो, इसी स्टेप में रेट डिटरमाइन हो जाता है. इसी स्टेप में, पहला वाला स्टेप में रेट डिटरमाइन हो गया था, ठीक है, RX के ऊपर, ठीक है, जो स्लो है. लेकिन ये जो स्टेप है जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के साथ अटैच होके ये हैलाइड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, ये फास्ट स्टेप है. ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म कि स्टेप वन कैसे हो रहा है, स्टेप टू कैसे हो रहा है. दिस इज द मैकेनिज्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स अबाउट द SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है, द फर्स्ट वन रिलेटेड टू SN1, SN1 रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर अगर हम बताएंगे कि एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन में सबसे अच्छा कौन सा एल्काइल हैलाइड का होता है, ऑर्डर शुड बी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. ये एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैकेनिज्म है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के SN1 सबसे अच्छा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री. इसका लॉजिक क्या है, मैंने बताया 3 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है, 2 डिग्री से 2 डिग्री मिलेगा, 1 डिग्री से 1 डिग्री. एज यू नो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल वन, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है. तो इसीलिए 3 डिग्री के SN1 सबसे अच्छा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री. दिस इज द पॉइंट नंबर वन. इसमें याद रखना है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है सबसे ज्यादा. तो इसके लिए GOC 1 चैप्टर को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा अगर तुम लोगों को दिक्कत है. तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इसलिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 सबसे अच्छा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री. नाउ लेट मी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर टू में हम क्या बताएंगे, सपोज वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ
कंपाउंड. कैसे कैसे कंपाउंड है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये एक कंपाउंड है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज एलाइलिक ब्रोमाइड. ये मेरा पहला लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड में है, फर्स्ट लेक्चर में है. दिस इज एलाइलिक ब्रोमाइड. ठीक है, इसको हमने ले लिया और एक कंपाउंड को ले लिया, दैट इज CH2 Br. ठीक है, ये क्या है और इसमें बेंजीन रिंग, ये है बेंजाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक ब्रोमाइड, याद रखना है. दिस इज सिंपली बेंजाइलिक ब्रोमाइड. और एक हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, द फर्स्ट वन इज एलाइलिक ब्रोमाइड, द सेकेंड वन इज बेंजाइलिक ब्रोमाइड, एंड थर्ड वन जो है दैट इज सपोज आई एम टेकिंग CH3 CH2 Br. ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअली एल्काइल ब्रोमाइड है. दिस वन इज एल्काइल ब्रोमाइड. हो गया, तो एलाइलिक ब्रोमाइड ये पहला वाला, दूसरा है बेंजाइलिक ब्रोमाइड और एल्काइल ब्रोमाइड. हम इस पॉइंट में बताएंगे कि ये जो एलाइलिक ब्रोमाइड एंड बेंजाइलिक ब्रोमाइड, इन दोनों का रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म एल्काइल ब्रोमाइड से बहुत अच्छा है. एलाइलिक ब्रोमाइड एंड बेंजाइलिक ब्रोमाइड, इन दोनों का SN1 एल्काइल ब्रोमाइड से बहुत अच्छा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी एक्सप्लेन. एक्चुअली जब हम एलाइलिक ब्रोमाइड की बात करते हैं तो एलाइलिक ब्रोमाइड से एलाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है. इट लुक्स लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस. ये जो एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ये एलाइलिक कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, मतलब ये इसमें शिफ्ट होगा तो जो मिलेगा दैट इज CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्डेड CH2. ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है. तो रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन इज द ड्राइविंग फोर्स की एलाइलिक जो ब्रोमाइड है उसका SN1 बहुत अच्छा होगा. सिमिलर टू दैट, ये जो CH2 प्लस बेंजीन रिंग, ये CH2 प्लस बेंजीन रिंग में भी सेम टू सेम रेजोनेंस होगा. ठीक है, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है. जो कार्बोकैटायन का रेजोनेंस होके क्या क्या बनेगा हम दिखा सकते हैं कि ये बॉन्ड इसमें शिफ्ट होगा तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, CH2 डबल बॉन्ड इसमें आ जाएगा, ये सिक्स मेंबर रिंग. नाउ दिस कार्बन इज गेटिंग पॉजिटिव इसमें बॉन्ड. ठीक है, फिर से ये शिफ्ट होके इधर आएगा तो जो मिलेगा दैट शुड बी डबल बॉन्ड एट CH2. ये प्लस है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है. इसके बाद ये बॉन्ड इसमें शिफ्ट होगा तो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग दिस थिंग कि इसमें एक बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड एट CH2 एंड दिस वन इज प्लस. हो गया, तो फाइनली क्या होगा ना, इससे चार्ज इधर आएगा तो चार्ज आने के बाद जो मिलेगा दैट इज CH2. ठीक है, इसमें आ जाएगा ये रेजोनेंस, मैंने शो किया कि कैसे कैसे रेजोनेंस बन रहा है एंड प्लस. तो ये दो रेजोनेंस फॉर एलाइलिक, दिस वन इज फॉर एलाइलिक एंड दिस वन इज फॉर बेंजाइलिक. ये दो जो रेजोनेंस होता है, ये दोनों रेजोनेंस के लिए क्या होगा ना, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ये दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल है टुवर्ड्स द SN1, मतलब स्टेबल मतलब सबसे अच्छा रिएक्शन होता है SN1 कंपेयर टू द एल्काइल ब्रोमाइड. सपोज आई एम टेकिंग एल्काइल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br, जो मैंने बताया था, इसमें से क्या मिलेगा CH3 CH2 प्लस. इसका कोई रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन नहीं है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसका कोई रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन नहीं है लाइक एलाइलिक एंड बेंजाइलिक. तो इसीलिए हम इस पॉइंट में बताया कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक इन दोनों में, अगर इन तीनों में मैंने कंपेयर किया एलाइलिक बेंजाइलिक एंड एल्काइल, तो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक का सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन होता है. ओके, लेट मी टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द SN1 मैकेनिज्म. SN1 मैकेनिज्म में हम लोग को याद रखना है, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना तो तब उसमें रेसिमाइजेशन होता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है. ये रेसिमिक मिक्सचर क्या है, रेसिमिक मॉडिफिकेशन रेसिमाइजेशन, मेरा लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने बताया, मतलब उसमें डी एंड एल एनानशियोमर प्रोड्यूस होगा. पार्शियल रेसिमाइजेशन इसलिए बताया मैंने, मैं दिखाऊंगा अभी, पार्शियल रेसिमाइजेशन मैंने इसलिए बताया, ये पॉइंट नंबर 3 होगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनता है. तो ये जो बात है अभी कि पार्शियल रेसिमाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि 50-50 डी एनानशियोमर एल एनानशियोमर, दो एनानशियोमर 50-50 फॉर्मेशन नहीं होता है. तो अभी हम दिखाएंगे कि कैसे हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि ये पार्शियल रेसिमाइजेशन कैसे हो रहा है. सपोज आई एम टेकिंग 2-bromobutane, ओके 2-bromobutane लेके मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं. इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. सपोज ये मेरा पास 2-bromobutane है सी, इसके साथ एक में है CH3 और इसमें इसको मैंने बताया दिस इज ए फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन. तो दिस वन इज एच और इसमें है C3H7 और इसके साथ है ब्रोमीन. दिस इज 2-bromobutane, दिस इज सिंपली 2-bromo
टू ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, पहला स्टेप में क्या होगा, मैंने बताया था एस एन वन रिएक्शन में पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, तो कार्बोकेटाइन डेफिनेटली फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ तो वो देखने में कैसा होगा, ऊपर में चला जाएगा सी एच थ्री, दिस वन इज सी एच थ्री। ठीक है, ये बिलो द प्लेन और ये जो है दिस वन इज अबव द प्लेन। एक्चुअली इसको हम ऐसे करके शो करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं अबव द प्लेन, तो ये क्या आएगा, अबव द प्लेन जो है अबव द प्लेन में ये आ जाएगा सी थ्री एच सेवन और ये होगा H एंड दिस वन इज प्लस। ओके, तो ये हो गया, अलोंग विद दिस वी आर गेटिंग बियर माइनस, तो ये मुझे कार्बोकेटाइन मिला। अभी हम दिखाएंगे कि इस कार्बोकेटाइन से कैसे रिएक्शन हो रहा है। ओके, सपोज आई एम टेकिंग दिस थिंग अगेन, सी सी एच थ्री बिलो द प्लेन ये हाइड्रोजन रहेगा और अबव द प्लेन ये सी थ्री एच सेवन रहता है और ये कार्बोकेटाइन है। तो अभी बात है कि मेरा पास सपोज मैंने पकड़ लिया कि इसमें से मुझे ओ एच माइनस यूज करना है। ठीक है, ओ एच माइनस, ये ओ एच माइनस यूज करेंगे, इसमें भी हम दिखाएंगे कि ओ एच माइनस यूज होगा। ठीक है, दो साइड से, ये दो साइड इसलिए बताया, एक्चुअली दिस थिंग इज प्लैनर इन नेचर। ये जो है ये कार्बोकेटाइन जो मैंने शो किया ये प्लैनर है। ठीक है, ये कैसा है, ये एक प्लेन टाइप का होता है, प्लैनर होता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन प्लैनर है, इसलिए इसको मैं ड्राइंग करके भी दिखाऊंगा कैसे ये प्लैनर है, तब समझ में आ जाएगा। तो प्लैनर मतलब इसका दो प्लेन रहेगा, सी थ्री एच सेवन का, दिस वन इज सी थ्री एच सेवन, ये प्लैनर है। तो ये एक काम करता है, ये अबव द प्लेन अटैक करता है, ये रेड इंक से मैंने दिखा रहा है अबव द प्लेन और मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं बिलो द प्लेन। ठीक है, ये बिलो द प्लेन है, ये ऊपर से अबव द प्लेन है, जो ब्लैक है ये बिलो द प्लेन है, जो रेड है ये अबव द प्लेन है, क्योंकि मैंने बताया कार्बोकेटाइन इज प्लैनर। अगर प्लेन है, सपोज दिस इज द प्लेन, प्लेन तो इसका एक ऊपर का हिस्सा है एक नीचे का हिस्सा है, सपोज OH ऊपर से अटैक हो रहा है तो दैट कैन बी इंडिकेटेड बाय द रेड एरो और बैक साइड हो रहा है ये पीछे से हो रहा है, दोनों जो अटैक हो रहा है ड्यू टू द प्लैनरिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। ये प्लेन मैंने अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं कर पाया, ये ड्रॉइंग ऐसा होगा। तो ये क्या होगा, दो टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, उसका जो कॉन्फिगरेशन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। सपोज दिस वन इज ओ एच, मैंने ब्रोमीन से स्टार्ट किया था, अभी आ गया ओ एच, तो इसको हम ऐसे बताएंगे, दिस वन इज सी एच थ्री तो बिलो द प्लेन एच और अबव द प्लेन जो है वो सी थ्री एच सेवन आ गया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपली माइनस ब्यूटान टू ऑल, हम इसको बता सकते हैं कि माइनस ब्यूटान टू ऑल, क्लियर। और जब ये अबव द प्लेन हुआ, अगर मैंने बिलो द प्लेन किया तो इसका कॉन्फिगरेशन कुछ अलग हो जाएगा, ये ओ एच आ जाता है, ऊपर में आ जाता है सी एच थ्री, बिलो द प्लेन आ जाता है एच और अबव द प्लेन आता है सी थ्री सी थ्री एच सेवन। ठीक है, तो ये बात है, तो ये जो है सी एच थ्री एच सी थ्री एच सेवन, वी कैन सी दिस वन इज प्लस प्लस ब्यूटन टू ऑल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन है ड्यू टू द प्लैनरिटी ये जो ओ एच माइनस न्यूक्लियोफाइल है ये एक बार ऊपर से अटैक कर रहा है तो मिल रहा है माइनस ब्यूटन टू ऑल और एक बार बैक साइड से अटैक कर रहा है तो मिल रहा है प्लस ब्यूटन टू ऑल। तो ये बात है, मतलब हम इसमें लिख सकते हैं कि प्लैनर नेचर ऑफ सी प्लस, तो कार्बोकेटाइन का प्लैनर नेचर के लिए ये न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक हो रहा है, इसीलिए प्लस एंड माइनस दोनों मिल रहे हैं, इसीलिए SN1 मैकेनिज्म में रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, SN1 प्रोड्यूस रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई वी आर गेटिंग रेसिमिक मिक्सचर फ्रॉम SN1 मैकेनिज्म, तुम लोगों को ये दिखाना है और बताना है कि कार्बोकेटाइन इज प्लैनर, सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल हैव टू चॉइस, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन टू प्रोड्यूस प्लस और माइनस एनी वन और बिलो द प्लेन टू प्रोड्यूस प्लस और माइनस, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग रेसिमिक मिक्सचर। दिस इज ऑल अबाउट द SN1 मैकेनिज्म जो तुम्हारा सिलेबस में है, इसके बाहर कुछ नहीं होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तीन पॉइंट मैंने बताया 1, 2 एंड 3 अबाउट द SN1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।